अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। सो जी गाइस, हम मैथ समझ रहे हैं, कंटिन्यू है। तो मैथ्स अगर आपको कंटिन्यू समझनी है तो आप लोग पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि जो अपलोड वीडियो की उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड आप अपना मैथ्स का कोर्स कंटिन्यू कर सके, समझ सके। ठीक है गाइस जी, आइए आज की क्लास में हम क्या समझेंगे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 को समझने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 कंटिन्यू है, क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 को पहले रीड करें, छुट्टी के लिए रीड करेंगे, समझेंगे क्या गिवन है, कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, वो डिसाइड हमें करना है। देखिए कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू फाइंड करनी है। x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन, x माइनस टू इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। सेम ही प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज में प्रीवियस क्लास में, सही है। तो क्वेश्चन समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, तो ये आसानी होगी आपको समझने में इस प्रॉब्लम को। के फाइंड करना है, देखें कि क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब कह रहा है कि x माइनस टू जो है फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का, ठीक है। सो x माइनस टू इज ए फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन x पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस टू, ठीक है। तो अब ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये है इसको अगर इसके साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो मिलेगा। ये समझाए, फैक्टर है दैट मींस रिमाइंडर ऑफ दैट एक्सप्रेशन बिकम्स ए जीरो। के फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, ये फैक्टर है तो फैक्टर है तो मींस इस फैक्टर को हम सपोज लेंगे इक्वल टू जीरो के, ठीक। तो एक्स के साथ टू जो माइनस हो रहा है उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो टू प्लस का हो जाएगा, सही है। अब क्या करेंगे हम, ये इसका कह रहा है फैक्टर है, ये एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है। तो क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करवाएंगे या डिवाइड करेंगे x माइनस टू के साथ। कैसे डिवाइड करेंगे, सिंथेटिक रीजन मेथड सॉल्व करते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, वही मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है, सिंपल है। सो सिंथेटिक रीजन मेथड कैसे, नाउ तो सिंथेटिक रीजन में ये समझा है कि जो इस एक्सप्रेशन का ये फैक्टर है तो इस एक्सप्रेशन में फ्रॉम हाईएस्ट पावर टू द लोएस्ट पावर से जो एक्सप्रेशन गिवन है स्टार्ट्स फ्रॉम द हाईएस्ट पावर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल से हम स्टार्ट करेंगे, हर वेरिएबल का कोफिशिएंट लिखते जाएंगे, सिर्फ कोफिशिएंट, एक्स पावर 3 का कोफिशिएंट नहीं है गिवन, मींस 1 है। एक्स पावर 3 के बाद एक्स पावर 2 मौजूद है उसका कोफिशिएंट -4 है, ठीक। एक्स पावर 2 के बाद x का कोफिशिएंट k मौजूद है एंड द कांस्टेंट फ्रॉम -2 है, सही है। यहां पर क्या लिखा है, सिंपली कोफिशिएंट्स टेक आउट किए हैं जो एक्सप्रेशन गिवन है उसके, सिंथेटिक रीजन मेथड अप्लाई करता है। अब डिवाइड करेंगे हम, किससे डिवाइड करेंगे, x इक्वल टू 2 जो फैक्टर है उस फैक्टर की वैल्यू से 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कह रहा है कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है तो यहां से फैक्टर से वैल्यू 2 मिली है तो 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। कैसे, तो पहला फर्स्ट नंबर 1 रिमेंस है, सही है, 1 आ गया। अब क्या करेंगे, जो 1 आया है इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ, क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 हर नंबर से मल्टीप्लाई होना जाएगा, 1 2 जा 2 मल्टीप्लाई करने से जो आंसर मिला है वो आंसर नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखेंगे, यहां पर 1 2 जा 2 तो 2 यहां पर लिखा, ठीक। -4 +2 है
अब यहां से आंसर मिला माइनस टू, तो इस माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन टू से, टू टू जा फोर, अगर माइनस का फोर आएगा नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखा ठीक। अब k ने 4 को माइनस करना नहीं कर सकते क्योंकि k इज अ लेटर एंड 4 इज अ रियल नंबर, तो किसी लेटर से रियल नंबर पॉजिटिव या प्लस या माइनस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे इसको सिंपली k माइनस 4 ही लिखेंगे क्योंकि इन दोनों की एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म तो करनी है, सिंपली लिखेंगे माइनस 4 ठीक। अब इस आंसर k माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे आगे डिजिट है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे k माइनस 4 को, सही है k माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, 2 के माइनस 2 फोर सा 8, 2 के माइनस 8 सही, k माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया आंसर मिला 2 के माइनस 8 सही है, नेक्स्ट डिजिट के नीचे लिखा है सही है। अब दोनों की एडिशन 2k7, ये 2 माइनस में रियल नंबर, यहां पर माइनस में 8 भी रियल नंबर, तो ये दोनों आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं, दोनों की साइन सेम है, माइनस में 8 यहां पर 2 भी माइनस में, साइन सेम है तो नंबर प्लस किए जाएंगे, साइन वही रहेगी माइनस 10 हो जाएगा सही है। सो लास्ट नंबर था, सो इज दिस इज द रिमाइंडर, दोनों के साइन सेम है, नंबर 2 एंड 8 ओके 10 नेगेटिव 10 आ गया सही है, तो लास्ट नंबर इज द रिमाइंडर। तो ये सेक्शन के डिवीजन के मुताबिक हमने डिवाइड किया, मगर रिमाइंडर जो मिला है रिमाइंडर में से ही हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है। कैसे अब देखिए वो आंसर फ्रॉम गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन यूज करेंगे, गिवन कंडीशन में कह रहा है x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन, ये इसका फैक्टर है कह रहा है, तो x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर है x क्यूब माइनस 4 x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 सही है। गिवन कंडीशन में ये कह रहा है x माइनस 2 फैक्टर है, गिवन कंडीशन गिवन तो ये इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब ये है इट मींस x रिमाइंडर बिकम्स 0 सही है। अगर ये इसका फैक्टर है तो उसका मतलब उसका रिमाइंडर 0 होगा ठीक, रिमाइंडर यहां पर ये मिला है रिमाइंडर 0 नहीं है क्योंकि k की वैल्यू फाइंड करनी है, इसीलिए इसमें कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है ताकि इस रिमाइंडर को सो लेट रिमाइंडर जो मिला है 2 के माइनस 10 इक्वल टू 0 लें, 0 इसलिए है क्योंकि ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर 0 होता है, तो रिमाइंडर जो मिला है फाइनली उस रिमाइंडर को इक्वल टू 0 ले लिया मैंने ठीक है, 0 लिया है ताकि k यहां से फाइंड कर सके हम ठीक है। तो k फाइंड कर रहा है 2k के साथ 10 माइनस भी है तो सबट्रैक्शन करेंगे प्लस का हो गया ठीक। अगर k के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को मल्टीप्लाई को साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये 2 मल्टीप्लाई है तो साइड पे डिवाइड में चला जाएगा ठीक। 2 को 10 से डिवाइड करेंगे 2 5 सा 10 ये है वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू ये रिक्वायर्ड थी ठीक है गाइस। सिंपल था, सेम प्रीवियस प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, तो इसमें मेन चीजें जिनसे यहां पर कह रहा है कि x माइनस 2 जो फैक्टर है तो ये चीजें आपको बेसिक चीजें ध्यान रखनी, अगर फैक्टर है तो मतलब क्या है रिमाइंडर 0 होता है तो रिमाइंडर को 0 भी को ले लिया सॉल्व किया ठीक है। उम्मीद है समझ में जरूर आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया है तो आप अगेन अगेन इसी लेक्चर को आप देखें समझने की कोशिश करें प्रैक्टिस करें, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हर
प्रॉब्लम आपको समझ में आए, समझिए हर प्रॉब्लम को, रट्टा मत लगाएं। अगर प्रॉब्लम समझेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मैथमेटिक्स मीन्स नो रट्टा, सिंपली हर प्रॉब्लम को आप समझने की कोशिश करें। कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। कंसंट्रेशन फुली से आप समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं भी आ रहा तो उसी पॉइंट को आप अगेन एंड अगेन देखें, समझने की कोशिश करें उस पॉइंट को, क्यों समझ में नहीं आ रहा। अगर समझ में नहीं भी आ रहा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स अपना छोड़ दें, सर प्लीज एक्सप्लेन इट, समझ में नहीं आ रहा मुझे, ये क्या किया आपने। एनी हाउ जब भी ऑनलाइन होगा मैं आपको आंसर मिलेगा। ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज़।